जी शर्मा जी, रखता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके बाय। लगती है मैनू बिच मरा दी कोई ने कुड़ी दी गल्ला करे कुड़ी नमकीन। ए हाय, दिस इज अक्षत पांडे, वेलकम बैक टू अक्षत पांडे ब्लॉग्स। ये वीडियो कैसे आया यही सोच रहे ना? वेल, आप सबको पता है ये क्वारंटाइन टाइम चल रहा है। क्वारंटाइन, तो आई थॉट कि एक रिव्यू बनाता है। वॉज रियली कन्फ्यूज कि बनाना है कि नहीं बनाना है, बट देन एवरी वन अराउंड वॉज लाइक करो ना करो ना, सो आई थॉट कर ही देता हूँ इस रिव्यू को मैं। तो आई वुड लाइक टू मेंशन टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि आई अश्योर यू दिस इज 100% ऑनेस्ट रिव्यू। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक एंड मतलब ये एक प्रूफ है कि मैं एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आइए। एक इंस्टा आईडी आ रही होगी एमिटी की, डू फॉलो दैट पेज एंड यू कैन इवन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट पेज। चलिए चलते हैं इस रिव्यू को करने कुछ ढंग की लोकेशन पे। और एक चीज़ मैं बता दूंगी, आप रिव्यू स्किप करना बीच में सोचिए भी, मगर एंड में रैपिड फायर सेक्शन है जो कि आपको सारी फायर खबरें देगा एमिटी की, उसको मत छोड़िएगा। चलिए चलते हैं। द आउटर एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी लोकेलिटी इट्स कॉल्ड मल्हौर। इट्स 11.2 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लखनऊ एंड 3.8 किलोमीटर फ्रॉम गोमती नगर। उस लोकेलिटी में जो शॉप्स हैं कोई भी कमी नहीं है, फ्रॉम ग्रॉसरी स्टोर, सुपर मार्केट, जूस शॉप्स, जितने भी स्टेशनरी शॉप्स, कॉलेज से रिलेटेड सामान है सब आसपास मिल जाता है, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। द ओनली इशू इज एक और थिंग, पीजीज भी वहाँ पे हैं, हॉस्टल्स हैं काफ़ी है अपार्ट फ्रॉम द मेन कॉलेज हॉस्टल। द इशू इज की सेफ्टी इंडेक्स थोड़ा लो है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, ज़्यादा लेट नाइट नहीं निकलना है एंड दैट्स ऑल। सो टॉकिंग अबाउट एडमिशन्स इन एमिटी, देर आर टू काइंड ऑफ एडमिशन, वन इज डायरेक्ट, वन इज टेस्ट बेस्ड। मेरा डायरेक्ट हुआ था, मैं थोड़ा पढ़ने वाला बंदा हूँ तो 80% अब से डायरेक्ट हुआ था बीटेक में, बट कुछ कोर्सेज में डायरेक्ट वैसे भी हो जाता है एंड कुछ में टेस्ट होता है, लाइक बीटेक में टेस्ट भी होता है 80% बिलो वालों का। तो एडमिशन्स का क्या सीन है कि वो प्रसाद की तरह सबको मिलता है, बस आपको आना है लेने। और एक बार आपका जैसे एडमिशन हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस सबमिट होती है, वो सब प्रोसेस आपको साइट पे मिल जाएगा कोर्स वाइज कि क्या रिस्पेक्टिव फीस है, कैसे आगे प्रोसेस करना है। और एक बात मैं आपको बता दूँगी, स्कॉलरशिप्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ अपने जो कि चारों साल फ्री में पढ़े, इवन मेरी भी 25% अभी तक लग रही है 3 साल से, 3000 का मुझे फ़ायदा होता है उसकी वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो एमिटी आपको ज़मीन पर पैर रखने नहीं देता है, इतनी खतरदारी करता है, और 4 साल बाद फीस देते देते आप ज़मीन पर पैर रखने लायक बचते भी नहीं हैं। की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बहुत बड़ा कैंपस है और कॉलेजेस, मतलब आप सिर्फ क्वांटिटी में कंपेयर नहीं करिएगा, क्वालिटी में भी कंपेयर करिएगा। जो आर्किटेक्चर आपको फोटोज में दिखता है एग्जैक्टली वो आर्किटेक्चर है, इट्स एन ऑसम आर्किटेक्चर। बस यार AV1 के पीछे थोड़ी सी वॉल केयर पुट्टी करा दो यार, वो थोड़ा सही नहीं लगता है। मतलब उसके अलावा जो माहौल है वो एकदम ऐसा पारिवारिक रहता है एकदम माहौल, हाँ बहुत ज़्यादा। और सेफ्टी इंडेक्स कैंपस की बहुत अच्छी है, लश ग्रीन गार्डन से सेफ है कैंपस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखा था आज, बहुत बोलने लगे हैं फर्स्ट ईयर वाले। ओ सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द लिस्ट इज रैगिंग एंड लेट मी टेल यू अबाउट एमिटी यूनिवर्सिटी की रैगिंग यहाँ पे जीरो है, फॉर बॉयज़ फॉर गर्ल्स बोथ ऑफ देम बिल्कुल भी रैगिंग नहीं है। आपको कोई भी इशू है तो डरिए मत, पहले लोकल अथॉरिटीज़ को आप कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं होता है तो आप हायर अथॉरिटीज़ पर जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट दे प्रोवाइड यू अ PSHC, दैट इज फिजिकल एंड सेक्सुअल हरासमेंट सेल। यस उसका डिपार्टमेंट है, अगर आपको उससे रिलेटेड इशूज़ है तो बॉयज़ गर्ल्स वहाँ पे भी जा सकते हैं। यस, और रैगिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अक्षत भैया, लाइब्रेरी कहाँ पर है? चलो निकलो भाई, अभी टाइम नहीं है यार। अक्षत सर, कोई डाउट होगा तो हेल्प कर दीजिए। ओह, ये मेरा सैमसंग का नंबर है। एनिमेशन लेवल 100। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मंकीज एंड डॉग्स, एंड मैं आपको बता दूंगी बहुत से मंकीज बहुत से डॉग्स हैं कैंपस में। ऐसा नहीं है कि लाइक वो मंकीज है तो कम होंगे, बल्कि वो और भी ज़्यादा हैं एंड ठंड में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। दो उनके परेशान करने के केसेस, लाइक लिटरली काटने के केसेस तो बहुत कम होते हैं, बट परेशान बहुत करते हैं वो, आप कुछ खाने आने का बीच में नहीं ले जा सकते कैंपस में अगर वो आसपास हैं तो। और डॉग्स आर क्यूट, दे आर कोऑपरेटिव, आप उनको ज़रूर खिलाइएगा, भूखे मत सोने दीजिएगा आप डॉग्स को। मंकीज का आपका मन है, आपको रिस्क लेने का शौक है, आप कुछ तूफानी करना चाहते हैं, ज़रूर जाइए। दैट्स इट। देखिए हॉस्टल के बारे में मैं इतना कहूँगा, पूरा ब्लॉग शूट कर रखा है, चैनल पे है, जाके देखिए। फीस की डिटेल्स इतनी है, 65,000 पर ईयर नॉन ए सी है, विंड शेयरिंग है, एक लॉबी होती है, 3 रूम होते हैं और हर लॉबी पे एक वॉशरूम होता है। एसी चाहिए तो वही 1 लाख हो जाती है। सिक्योरिटी आपको 15 के देनी पड़ती है और ऑन एडमिशन एंड हॉस्टल छोड़े हुए मिलती है, बस इतना ही है। बाकी ब्लॉग में देखो। देखो भाई, टॉपिक है कैंटीन एरिया, सोचा था ऐसे ही बताएंगे मत, ऐसे होगा नहीं, उठना पड़ेगा। देखिए कैंटीन एरिया का ये सीन है,
पहला तो सीसीडी है, बहुत अमीर कॉलेज है, सीसीडी है वहाँ पे। दो मैं आज तक गया नहीं, एक दो बार गया हूँ वो भी जब घर वाले आए। दूसरी एक मैस वाली कैंटीन है, मतलब जिनका मैस है उन्हीं की कैंटीन। थर्ड इज़ RF, ये बहुत ही बढ़िया कैंटीन है भाई अपने आशीष भैया की, यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और आशीष भैया अगर आप देख रहे हैं कमेंट करिए फ्री कबाब रोल और मुझे दीजिएगा भी कॉलेज वापस आने वहाँ पर। उसके अलावा एक बेकरी है, एक ग्रॉसरी स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर के सुपर स्टोर है, सब कुछ मिल जाता है। एक स्टेशनरी शॉप है जो कि अगर खुली मिल जाए तो बहुत अच्छा ही किस्मत है आपकी। और एक ATM है OBC बैंक का, एंड आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे आपको जब भी निकालना 24/7 क्लोज रहता है वो ATM, कभी भी वहाँ मत जाइएगा, बाहर ATM से वहाँ चले जाइएगा। अच्छा वो स्क्रीन पे कुछ नहीं है, तार है इधर सच में। तो टॉपिक है ड्रेस, और मैं आपको बता दूँ एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में अपनी कोई ड्रेस नहीं है, जो पहनना है पहन के आओ, कैजुअल पहन के आओ। बस एक चीज़ याद रखना, स्टार्टिंग के 6 महीने या कुछ दिनों तक, जब तक मतलब इस अंदाज में लग जाए कि अब माहौल खुला हो गया है, तब तक रिप्ड पहन के मत आइएगा। रिप्ड रिप्ड जीन्स पहन के थोड़ा दिक्कत रहती है, और जैसे चप्पल वप्पल ही पहन के नहीं आइए, थोड़ा ढंग का फुटवेयर पहन के आइए। उसके अलावा कुछ फैशन रूल्स ऐसे हैं कुछ की, आप AP6 जाएंगे जो कि मीडिया डिपार्टमेंट है, वहाँ पर चलता है फैशन। एंड अगर आप और डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, AP1 में और मतलब कोर्सेज के नाम क्या देना, वहाँ चलता है फैशन, फैशन इसका याद रखिएगा। देखिए लाइब्रेरी की अगर बात करी जाए तो सीन कुछ ऐसा है कि जो बेस्ट पार्ट है पूरे कैंपस का वो है एमिटी लाइब्रेरी। मतलब किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे, इंटीरियर्स उसके बहुत ज़्यादा औसम है। दो लोग वहाँ यूजुअली पढ़ने तो नहीं जाते, मगर अगर आप जाएंगे तो वहाँ सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सब्जेक्ट्स की बुक नहीं मिलती हैं, मेरे दोस्तों ने कहा जैसे BSc की बुक्स कभी कभी नहीं मिलती हैं वहाँ पे, तो ये सब थोड़ा बहुत इशू आता है। और एक और इशू है जो कि एमिटी वालों को ठीक करना चाहिए कि जो AC है वो पूरी लाइब्रेरी में ढंग से नहीं चलता है, कुछ सेक्शंस में बहुत मस्त चलता है एंड कुछ सेक्शन में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा गंदी, तो वो चीज़ इनको ठीक करनी चाहिए। ऑल्सो आप बुक इशूज़ करा सकते हैं जिसके लिए एक लाइब्रेरी कार्ड होता है, और आपको टाइम पे देनी भी पड़ती है वरना उस पर फाइन लगता है। तो क्लब्स की बात करें एमिटी में, बहुत सारे क्लब्स हैं। डांस क्लब है, डांस क्लब ड्रामा क्लब है, वैसे डांस क्लब तीन क्लब्स हैं, नाम क्या लेना, तीन क्लब्स हैं। बट आपको कौन सा ज्वाइन करना है, अंडरडॉग्स क्रू इज द बेस्ट, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, अंडरडॉग्स क्रू ज्वाइन करना है आपको। इसके अलावा कोडिंग क्लब है, कोडिंग क्लब में मेरा एलियास है एमिटी लिनक्स असिस्टेंट सेपियंस, जो कि मेरा क्लब है कंप्यूटर साइंस में, आपको वो ज्वाइन करना है। अगर आप एमिटी नोएडा जाते हैं तो आपको एलियास नोएडा ज्वाइन करना है, स्पेशल प्रमोशन। राइटिंग क्लब है, ड्रामा क्लब है, बैंड्स हैं, डिजिटल क्लब है जो कि डिजिटल कंटेंट बनाता है, बाकी और भी कुछ मेरे डिपार्टमेंट के क्लब्स लाइक ब्लिंक आदविक ये सब है, आप जो भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। देखो सिक्योरिटी का सीन कुछ ऐसा है, पूरा जो कैंपस है बहुत ढंग का सिक्योर है, वॉचमैन गेट पे रहते हैं एंड कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी लड़ाई हो जाती है मगर साल में एक आध बार तो शगुन करना ही होता है कॉलेज का लड़ाई का, बाकी पूरे सिक्योर है कैंपस। यस दैट्स अ फुटेज फ्रॉम माय न्यू ड्रोन, मोबाइल को माउंट कर दिया है मैंने अब दरवाजे पे। और टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, देयर आर 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स, 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स, 1 क्रिकेट नेट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 1 फुटबॉल फील्ड, 2 आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट एंड 2 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। इसके बाद चेस है, कैरम है, जिम है, और बाकी आपको 3 पत्ती सट्टा आपको रूम पे करना पड़ता है, वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, अटेंडेंस एंड फैकल्टी। अटेंडेंस की बात करूँ तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको 75% मेंटेन करनी पड़ती है वरना आपको फाइनल एडमिट कार्ड नहीं मिलता है और आप एग्जाम्स नहीं दे सकते, एंड दैट इज़ प्रीटी सीरियस। आपको वो इसलिए नहीं मिलती अगर आप चली गई है, आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ या कुछ होना चाहिए तब भी कई बार नहीं मिलती है। टॉकिंग अबाउट फैकल्टीज, देयर आर मिक्स्ड वैरायटी ऑफ फैकल्टीज, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ठीक हैं, एंड ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही चलता है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, कॉलेजेस में बहुत गलत होता है कि जिसको PhD होती है उसको केबिन दे देते हैं, PhD नहीं होती है उसको क्यूबिकल देते हैं, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट इट्स अ वे ऑफ टीचिंग दैट मैटर्स एंड इट्स नॉट योर डिग्री। तो अब हम चालू कर रहे हैं अपना रैपिड फायर सेक्शन, और इसका फर्स्ट पॉइंट है AB6। What is AB6 दिखाते हैं। So AB6 stands for Academic Block 6, और यहाँ पे सारे ऐसे कोर्सेज चलते हैं जैसे कि BGMC, Fine Arts, Psychology, BA English Honors, etc. तो एक और फैक्ट है इस जगह के बारे में कि यहाँ का गर्ल्स रेशियो ज़्यादा है बॉयज़ रेशियो से, एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद दिस बीइंग अ फायर टॉपिक, बट मैं आपको बस ये बताता हूँ कि जब आप AB6 में घुसते हैं तो आपको ऐसा लगता है। ये कैसी जगह ले आए हो तुम, और जब आपको कुछ महीने बाद समझ आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है
फिरूं अब मारा मारा मैं चांद से पिछड़ा तारा मैं फिर भी क्यों इतना हारा मैं कि तुमने क्या किया। Talking about Amity Fest, there are two types of fest. The first is Sangathan. It's a sports fest hota hai, and maximum sare sports cover kiye jaate hain. And this is a really good fest. Ho sakta hai kuch drawbacks hu. Main bahut zyada sports mein nahi hu, isliye ho sakta hai na bata pa raha hu. But mere according ye fest bahut hi sahi hota hai Amity ka. Magar agar baat kare hum log cultural fest ki, to wo up to the mark utna nahi hota hai. Because competitions are really good. The competitions organized by departments are really really good. But at Amity level, jo usko apna budget assign karna chahiye, jo kharcha karna chahiye, bilkul bhi nahi karta hai. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्टिस्ट बड़ा होता है छोटा होता है, बट जिस तरीके के आर्टिस्ट आईआईटी में आते हैं, जो बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, एक भी नहीं आता है। ये लोग बहुत नॉर्मल लेवल के आर्टिस्ट को बुलाते हैं और जितना हम लोग पे कर रहे हैं हम लोग को उतना रिटर्न में नहीं देते हैं। देखिए कपल्स का सीन कुछ ऐसा है एमिटी में कि अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है तो DSLR है क्या या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक जैसे कि R15 कैफे के ओनर है या है कोई ड्रोन। अगर हाँ तो हाँ आपकी इजीली गर्लफ्रेंड बन सकती है और लड़कियों के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा अनलेस आप मुझ पर ट्राई ना कर रहे हो तो। वेल पॉलिटिक्स इन एमिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमिटी का नहीं, हर ऑफिस का, हर कॉलेज का, हर जगह का। देखिए पॉलिटिक्स हर जगह की तरह बहुत ज़्यादा है, बट वॉट यू हैव टू डू इज नॉट कंसेंट्रेट ऑन इट एंड मूव अहेड। मेरे साथ दो बार बहुत गंदी पॉलिटिक्स हुई है। फर्स्ट टाइम बॉस कि कुछ लोग हैं एमिटी में जो कि बहुत पैकेज अपना टूरिंग पैकेज चलाते हैं जब फेस्ट आता है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हर साल लोगों को ले जाते हैं, उनसे बहुत पैसे लूटते हैं। तो आप जब भी फेस्ट में जाना हो, कोई भी IIT के फेस्ट में एटसेट्रा एटसेट्रा, आप अपने उस पर जाएँ, किसी के भी कोई भी सीनियर कहे, कई सीनियर्स ही कहेंगे आपसे, कई सीनियर्स कहे, तो आपको उनके साथ नहीं जाना है जो कि पहली बार हुआ था। आई वोंट टेक द नेम बट वो हर साल ऐसे लोग हैं जो करते हैं ये सब काम। एंड सेकेंड टाइम इट वेंट वॉज कि जब एक संगठन में एक डांस कॉम्पिटिशन था जो स्पोर्ट्स फेस्ट था, कुछ क्लोजिंग का तो था, हम लोग उसमें क्लियरली विनर्स थे एंड जो टीम डिस्क्वालीफाई हो रही थी उसको जिताया गया था जस्ट कॉज कि जो भी उसके ऑर्गेनाइजर थे वो उस डिपार्टमेंट के थे। हम लोग ने बहुत अथॉरिटी से कहा, अथॉरिटी क्लेम दैट दिस इज डिस्क्वालिफिकेशन, बट वी कैन नॉट मतलब चेंज दैट डिसीजन कॉज जजेस ने ले लिया है तो ले लिया, और ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो ये सब पॉलिटिक्स बहुत चलती रहती है, मगर आपको इसमें लड़ना है, मगर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आगे आपको बढ़ना है, पॉलिटिक्स को नहीं। थैंक यू। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। दिस वाज करोना रिव्यू एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ। आपको कोई भी और ज़्यादा डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, जैसे कि मैंने इंस्टा ID बताई थी, फिर से आ रही होगी स्क्रीन पर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर, प्लीज़ जल्दी 1K करा दीजिए। चलता हूँ, बाय बाय।